नमस्कार। बाराबंकी जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर। बाराबंकी जनपद के असनरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लकड़िया गांव का पूरा मामला बताते हैं। आपको बताएं कि माया देवी की जमीन जहां पर है कि उसको चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है। दबंगों का कहर इस तरीके से जारी है कि उसके अंदर उनकी भैंस और सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन दीवार उठाकर उनकी रास्ता बंद कर दी गई। आज पुलिस अधीक्षक से उन्होंने मुलाकात की तो बताया कि पुलिस अधीक्षक ने कहा है आपको न्याय मिलेगी, लेकिन असनरा थाने की पुलिस क्या इतनी कमज़ोर हो गई है जिस तरीके से इन पीड़ितों को न्याय नहीं दिला पाती है, तो पुलिस अधीक्षक तक इनको आना पड़ता है। और पीड़ितों का क्या कहना है वो भी सुनवाएंगे। आपको बताएं जो माया देवी का वो परती की जमीन है वो घरौनी में दर्ज भी है। माया देवी का कहना है करीबन 40 साल से उस जमीन पर हम रह रहे हैं। अब तो देखने वाली बात होगी कि ऐसे पीड़ित को किस तरीके से न्याय मिलेगी। आइए सुनवाते हैं इस खबर में आखिर पूरा मामला क्या है। खबर को विस्तार से देखिएगा। आइए देखते हैं दिनेश कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक कार्यालय आना पड़ा। हम थाने में कई बार जा के एप्लीकेशन दे के थक गए हैं, वहाँ हमारी कोई जनसुनवाई नहीं। आज पुलिस अधीक्षक को आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, तो पुलिस अधीक्षक ने क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन ये दिया है कि कल थाना दिवस है, कल जो होगा हम आके देखते हैं। क्या असनरा थाने में आपने एप्लीकेशन दिया, क्या कुछ वहाँ से न्याय नहीं मिली आप लोगों को? कोई न्याय नहीं है, पुलिस मौके पर पहुँचती ही नहीं वहाँ। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यह है कि हमारे पूर्वजों की जमीन है, आज से 70 साल पहले से कब्जा है हमारा वहाँ, और ग्राम सभा की जमीन है, आबादी है वहाँ, हमारी भैंस जानवर भी बनते हैं वहाँ, मैं नांदे रखी हैं वहाँ, दो बंगले भी हैं हमारे, और मशीन भी है मौके पे वहाँ, जो हमारा 40 साल पुराना नल भी लगा हुआ है। आज उसके नल अपने घूर के अंदर में वहाँ एक ठाकुर हमारे दबंग हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है मनोज कुमार सिंह। अच्छा, मनोज कुमार सिंह कैसे, क्या मामला है जो आरोप लगा रहे हैं, कैसे क्या किया आपके साथ? वो कह रहे हैं कि हम यहाँ घूल लगा रहे हैं, और घूल पे वो घूल लगा रहे हैं थोड़े में, पर बनवाना चाहते हैं वो हमारी आधी जमीन कब्जाना चाहते हैं, जिसमें हमारा पूरा 40 साल पुराना नल भी लगा है जो अब चलता नहीं है, पर लगा हुआ है, नांदे भी रखे हैं, खूंटे भी गाड़े हुए हैं, पर वो अब नांदे खूंटे सब अपने अंडर में लेके हमारा रास्ता तक ब्लॉक कर दिया है, आने जाने का कोई रास्ता नहीं, और हमारी भैंस भी जानवर भी वहाँ बंधा हुआ है, भैंस एक बंधी हुई है, जो हम चारा पानी ले जाने का कोई रास्ता नहीं, वो आप भूखी प्यासी वहीं बंधी हुई है, अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। मीडिया के माध्यम से प्रशासन से क्या चाहते हैं? मीडिया और प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि हमारा मौके पर चल के हमारी समस्या सुने और हमारी समस्या का निवारण करें। धन्यवाद।